सिखाई एहतराम सिखाया। जे नस्ले रसूल का इतना अया कर रहे तो सोचो नस्ले रसूल का कितना अया कर दे, कितना एहतराम कर दे। सैयद साहब ना कदम ध्यान रख के मुलाकात कर, एक दिन हदीस पाक पढ़ा रहे पढ़ांदिया पढ़ांदिया अपने शागिर्दां नूं आखिया जो वुज़ू ताज़ा करके आगे वुज़ू ताज़ा करके फरमाया नजरां झुका लो अदब नाल बैठो। पूछा गया पीर जी की होण लगा, फरमाया हदीस दे अगले मतन विच मुस्तफा दी शहजादी फातिमा दा जिक्र आ। इंज कोई शाना बयान करदा है? तुसी पाकीज़ा होके आले सुन्नत वां जमात दा माहौल ही पाकीज़ा है, लोगों दी महफिलों के अंदर ना वुज़ू होंदा है ना कोई तमीज होती गल करन दी। ओ जी उमर खुतबा दे रहा सी ते शहजादे उन्हां कल ला उमर साडे नाने दे मेंबर तो मैं कह शहजादे दी ये तरबियत नहीं जिहड़ी तू पिया दस्सदा ते कहिए साडे तक नहीं दी गल ना करदा, क्या अकलमंदी है कि शहजादे आखण उमर ला साडे नाने दे मेंबर भाई जिहड़े शहजादे बुजुर्ग नूं वुज़ू करदे आ देखदे ने कि बाबे नूं उहदा वुज़ू ठीक नहीं ठीक तरह नहीं कर पा रहा। हुण शहजादे दोवें हसन हुसैन वेख रहे उमरां छोटियां ने नाना जान कर दे जो करके बार बाबा जी दसो वुज़ू की ठीक है बाबे आका पुत्रो तुहाडे दोवां दा ठीक है वुज़ू मेरा ठीक है। खलीफा सानी मेरे नबी दे जान नशीन जनाबे फारूक आजम दा कितना एहतराम करदे ने। उन्हां इह जरूर आख्या उमर इह मिंबर ओही है ना जिहड़ा साडे नाना जान दा। हजरत उमर ने लोकी जवाब दिता, उन्हां आख्या मिंबर नहीं ऐ उमर दे सिर दा एक एक वाल या अल्लाह उगाया ते या तुहाडे नाने दा सदका है। तकरीर बहुत लंबी तो नहीं होगी, दस देना मौलवी साहब पास कर ठीक है अपनी मर्जी ना लोजना दो ढाई घंटे लाने मक्के मक्का तो कूफा कोई साबित करे हुसैन किसी मकाम पे खलो के आके आया मेरा साथ दो मैं लड़न चले जाऊं। क्या हुसैन ने जंग दे उसूलों का नहीं सी पता कि जो लड़न जाना है कुरान नाल नहीं लेके जाई दा, लड़न जाना होवे ते बीबियां लेके नहीं जाई दा। ये चीजां दस रही हुसैन लड़न नहीं गए, हुसैन लड़न जाते ते लश्कर लेके जाते छे महीने का असगर लेके जाते। जो कूफिया ने खत लिखे 53 तकरीबन खत आ गया, इस तो ज्यादा आ गया उस वक्त हुसैन पाक कूफे की तैयारी कर लगे ते साहबा ने बल्कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने मशवरा दिया कि बजाय तुसी डायरेक्ट आप जाओ किसी नूं भेजो जिहड़ा हालात दा जायजा ले साडे चो किसी नूं भेज दे। आप फरमाया ठीक है भेजांगा जरूर पर तुहाडे चो किसे नहीं गल नहीं साहबियां भी चो किसे नहीं भेजना मैं मुस्लिम नूं भेजांगा। मतलब ए नहीं कि साहबा ते शक के हुसैन साहबा दी नमूस दा उदों भी तहफ़ुज़ कीता, हुसैन पाक दस्सिया कि मेरे नाना जान मोढ़िआं ते बिठा के मेरी शहादत बयान कर दित्ती उत्थे जिस जाना उस खत लिख के मैनूं बुलाणा है ते मेरे पीर हुसैन दा तसर्रुफ सी। हुसैन आखिया अगर मेरे नाने दा कोई साहबी टुर गया ते जाके खत लिखिया कल लोग क्यामत तक आखते रहेंगे साहबा ने बुलवाया था खत लिख के बुलवाया मर बात जा। हुसैन ने कहा नाना कोई साहबी ना जाए मुस्लिम तुसी जाओ मुस्लिम खत लिखेगा ते फिर मैं जावांगा ताकि कोई बदबخت बخت मेरे नबी के साहबा की अजमत वाली चादर पे कोई उंगल चुकने की कोशिश ना करे कोई थप्पा ना पा कोशिश ना करे। हुसैन पाक ओदो भी साहबा दी नामूस दा तहफ्फुज़ कीता सुभान अल्लाह। इस वास्ते असी हुसैनी आज भी साहबा दी नामूस दा तहफ्फुज़ कर उस्मान गनी दी कसरे खिलाफ दा पैर हसन हुसैन दे
ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਖਲਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੁਸੈਨੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਾਫਸ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਤਾਫਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਬਾ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੋ ਗਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਗਏ ਖਤ ਲਿਖੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਕ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਲਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਕੇ ਤਾਈਆਂ ਲੱਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਕੁਰਾਨੀ ਕਲਮਾਤ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਉਲਮਾ ਕੋਲ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਆ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਬਾਹੂ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਕਰ ਦੀਨ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋ सुल्तान बाऊ ते 18,000 मौलवी सुनना ते उन्हें साथ ना देता मैं कहूं उन्हें पहले पूछ आलम ते आलम दा फर्क की अगर वो आके बज़िद होवे नहीं जी आलम मौलवी है उन आको वबार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन की मतलब होया वो सिर्फ मौलवी वास्ते रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह सिर्फ मौलवी रब आला ना आलमीन आलम दी जमा ते 18,000 आलम दी पंजाबी च ज्यादा ना बड़ा मुल्क जमा भावे बंदा हजार जमा तो बड़ा मुल्क इकट्ठा होया पाकिस्तान दी आबादी 22 करोड़ है 23 करोड़ है और फिर बैत तोड़ दी बल्कि जो 500 रह गया मुस्लिम बिन अकील मुसल्ला इमामत ने अल्लाह अकबर की पीछे बाद किसी आख्या की किया जो आख्या भी जी अगले से आदमी पता लग गया आखन सही जे खलोते जो मुस्लिम पता लगे तो आखन के पिछे तो खलोते अगे पढ़ रहे ये काम भी उन्होंने किया फिर इस वक्त हानी बिन उरवा के घर इमाम मुस्लिम बिन अकील ने पनाह दी जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद गवर्नर लगा आज लोग आते ना यजीद का कोई कसूर नहीं यजीद को तो इलम ही नहीं था यह गवर्नर क्या तब्दील किया हुकूमत मरकज यजीद ही सी और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आ फरमाते हैं कि अगर फरात के किनारे एक जानवर की प्यास न मर जाए क़यामत की उम्र जवाब दे होएगा तो जिन्हें फरात के किनारे मुस्तफा की औलाद को प्यासे शहीद कर देता इसका जवाब कह देना है किमें बड़ी जिम्मा हो सकता है फिर मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया हानी बिन उरवा को बुलवाया गया कि मुस्लिम तेरे को साढ़े हवाले करो ना क्या मैं हवाले नहीं करूंगा मैं उन दिनों महफूज रस्ता दे देंगा मैं मौका दे मेरे घर चले जाएंगे लेकिन मेरे दामन बगल की होया मैं मोहम्मद की औलाद में गद्दारी नहीं करा इसी वजह को उन्हें शहीद कर देता फिर जो शहीद होया हानी बिन उरवा हजरत मुस्लिम बिन अकील को पता लगा उन्होंने सोचा भी मेरा मेजबान मार दिता गया मेरी वजह तो आप तलवार लेके बाहर आ गए धोखे आप गवर्नर हाउस में जाया गया सुल्फन को पकड़ के गवर्नर हाउस के बाहर कले तो लटकाया गया लटका के तलवार चलाई गई धड़ जमीन से आ गया सिर कूफे के चौक च लटक गया मुस्लिम इमाम हुसैन खत लिख चुके सन इमाम आली मकाम तुर पे सन रस्ते फरजदुख शायर ने लिया उस आख्या हुसैन ना जाना तुम मैं पता खत मिल चुके लेकिन
مسلم بن عقیل دا سر نہ کوفے تے چوک چوک کے ویکھیا میرے امام نے جدوں شہادت مسلم دی خبر سنی تے بڑی جرأت اور صبر دا آکھیا مولا تیرا لکھ لکھ شکر اے انہاں میرے بھرا دا سر لٹکیاں ویکھی باطل دے اگے جھکیاں نہیں گئے।